हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने कविता तितली पढ़ा था, है ना? चैप्टर नंबर 27 तितली के बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम तितली का जो पार्ट टू है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। कि पहले हमने खाली कविता समझी थी और आज हम उसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ओके? तो आपको पता है कि तितली, तितली के बारे में आपने पढ़ लिया कि तितली कैसी प्यारी प्यारी होती है, वो फूलों के बीच रहती है और फूलों का जो रस है वो पीती है, उसके बारे में आपने पढ़ लिया, ओके? तो हम आज हम उसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो अभ्यास फर्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह है भरो। तो क, तितली देश से दोस्ती करती है। तो हमने कविता में पढ़ा कि तितली, तितली किससे दोस्ती करती है, बताओ चलो। तो तितली फूलों से दोस्ती करती है ना, तो यहां हम लिखेंगे तितली फूलों से दोस्ती करती है, कि हर दिन वो फूलों के साथ ही रहती है, इसलिए उसकी फूलों के साथ दोस्ती हो गई है। तो यहाँ हमने लिखा तितली फूलों से दोस्ती करती है। बाद में है ख, तितली को देश से बैर है। तितली को बैर यानी कि दुश्मनावट, इससे दुश्मनावट है कांटों से। तो यहां हम लिखेंगे तितली को कांटों से बैर है, क्योंकि कांटों पर वो बैठती है तो क्या होता है, उसको चुभता है ना, उसको लगता है कांटों, इसलिए वहां वो कांटों के पास कभी भी वो जाती नहीं है, इसलिए यहां बोला है कि तितली को कांटों से बैर है। नेक्स्ट ग, तितली बाग में डैश करती है। बाग में क्या करती है पूरे दिन? यस, सैर करती है, पूरे दिन बाग में घूमती रहती है, फूलों के ऊपर एक फूल से दूसरे फूल ऊपर बैठती है। तो यहाँ हम लिखेंगे तितली बाग में सैर करती है, ओके? नेक्स्ट, तितली बाग की डैश है। बाग की क्या है, हमने क्या पढ़ा था? हाँ, यस। तो हम लिखेंगे तितली बाग की छोटी सी रानी है, ओके? तितली बाग की छोटी सी रानी है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फूलों की खबर कौन लेता है? तो ये कविता में हमने क्या पढ़ा था कि फूलों की खबर कौन लेता था? यस, कि कौन लेता था? तितली। तो यहाँ हम लिखेंगे फूलों की खबर तितली लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली किसके संग रहती है? तो कविता में हमने क्या पढ़ा कि तितली हर रोज या दिन भर किसके साथ रहती है? यस, तो हम लिखेंगे तितली दिन भर फूलों के संग रहती, ओके? तितली दिन भर फूलों के संग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली के पंख कैसे है? तो कैसे बताए हैं हमने ये पोयम में, तितली के पंख कैसे है?
तो तितली के पंख कैसे है प्यारे प्यारे। तो यहाँ हम लिखेंगे तितली के पंख प्यारे प्यारे है। ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तितली क्या पीती है? तो वो फूलों के साथ रहती है ना, तो वो क्या पीती है? फूलों का रस ही पीती है ना। हाँ, तो यहाँ हम लिखते हैं तितली बाग में फूलों का रस पीती है। ओके, आ गया समझ में? तो ये तितली वाले जो ये पोयम है उसमें जो एक्सरसाइज थी वो आज हम है पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर। तो वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर आपको क्लास वर्क एंड होमवर्क वो दोनों में लिखना है, गुड हैंड राइटिंग में लिखना है और साथ में आपको लर्न भी करना है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।